हेलो फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम श्रुति। कैसे आप सब? आई होप कि आप हेल्दी एंड सेफ होंगे। तो जो आज का वीडियो होने वाला है, एक्चुअली आज मैं बनाने वाली हूँ एक फ्यूजन, मतलब ये कॉम्बिनेशन है दाल का और सब्जी का। तो इसका नाम है पंजाबी तड़का। तड़के से आप जान गए होंगे कि ये थोड़ी स्पाइसी और कुछ मसाले वाली, कुछ बहुत टेस्टी सी होने वाली, बट हाँ इसमें मसाले बहुत ही ज्यादा कम यूज हो रहा है, बट इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही ज्यादा डिलीशियस है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप बताएं आपको क्या करना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो एंड तक देखिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करिए, कमेंट करिए। मैं एक बात और बताना चाहती हूँ कि ये जो डिश है वो मेरी मम्मा ने मुझे बनाना सिखाया है और ये उनके हाथों की तो अल्टीमेट बनती है। मैं तो तब भी मैं ना उनकी हाफ भी नहीं बना पाती उस डिश को। तो सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पंजाबी तड़का बनाने के लिए हमने लिया है पोटैटो, टोमेटो, ओनियन, ग्रीन चिली, काली मिर्च, तेज पत्ता, हींग, जीरा, दालचीनी और लौंग। मैंने लिया है हाफ बाउल ग्रीन मूंग दाल स्प्लिट, जिसको मैंने करीब एक गिलास पानी में भिगो करके रखा था। इसको मैंने उबाला है और दो सीटी ली है, एक तेज आँच में ली और एक मीडियम आँच में ली है। अब मैंने लिया है एक बड़ा साइज का आलू और हमें टमाटर, प्याज और हरी मिर्च और काली मिर्च, इसका ना फाइन पेस्ट बनाना है ग्राइंड करके। तो इसको हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे, एकदम फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। अब सबसे पहले हमें आलू को फ्राई करना है। आलू फ्राई करने के लिए मैंने जो कढ़ाई ली है उसमें उसको मैंने गर्म किया, उसमें मैंने कड़वा तेल यानी कि सरसों का तेल डाला है। अब इसमें हम आलू को डाल के हल्का हल्का फ्राई करेंगे, आँच मीडियम रखेंगे या बीच बीच में सिम भी करते रहेंगे, मतलब कि धीमा करते रहेंगे, स्लो करते रहेंगे और बीच बीच में चला के देखते रहेंगे कि ये पका कि नहीं पका। आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने डीप फ्राई नहीं किया क्योंकि मुझे ज़्यादा तेल इस्तेमाल नहीं करना था। मुझे वैसा खाना नहीं खाना था जो बहुत ज़्यादा ऑयली लगे, इसलिए मैंने तेल भी कम यूज़ किया है और साथ ही साथ मैं इसको ढक करके भी पका रही हूँ। अब आलू अच्छे से फ्राई हो गया है, इसका कलर भी हल्का सा चेंज हो गया है, अब इसको हम निकाल लेंगे। तेल ऑलरेडी अभी भी कढ़ाई में बचा हुआ है, जबकि मैंने बहुत कम तेल यूज़ किया तब भी कढ़ाई में तेल बचा हुआ है। अब इसमें हम डालेंगे तेल, तेज पत्ता और जीरा डालेंगे एक चम्मच, छोटी सी एक इंच की दालचीनी यूज़ करेंगे, दो लौंग डालेंगे हम और एक पिंच हींग डालेंगे। अब जो हमने फाइन पेस्ट तैयार किया था वो हम इस पे डाल देंगे, इसको हल्का सा फ्राई करते रहेंगे। इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट, मतलब आप चाहें तो जिंजर और गार्लिक भी साथ में पेस्ट में पीस सकते हैं, बट मेरे पास जिंजर गार्लिक पेस्ट अलग से था तो मैंने पीसा नहीं है। मैंने एक चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट इसमें डाला है। अब इसको हम धीरे धीरे हल्का हल्का फ्राई करते रहेंगे, तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि जो पेस्ट है वो हल्का सा तेल ना छोड़ने लग जाए। इसमें मैंने डाला है आधा चम्मच हल्दी, एक चम्मच लाल मिर्च क्योंकि हमें थोड़ा तीखा खाना था, और हरी मिर्च भी मैंने कम यूज़ करी थी थोड़ी। और ये जो पूरा मतलब सब्जी और ये तैयार हो रही है ये सिर्फ दो लोगों के हिसाब से है। अब इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे ताकि ये मसाला अच्छे से पक जाए। अब धीरे धीरे इसको फ्राई करते रहेंगे। ये देखिए अभी हल्का सा फ्राई हो गया, मसाले ने तेल छोड़ना शुरू कर दिया था, तो मैंने इसमें आलू डाल दिया है ऊपर से, जो आलू हमने ऑलरेडी फ्राई किया हुआ था उस आलू को डाल दिया है मैंने, और जो दाल हमारी पक चुकी थी उस दाल को इसमें डालेंगे। अब आप इसमें चाहे तो एक ग्लास फुल ग्लास पानी डाल दें, अगर आप थोड़ा पतला खाना चाहते हैं और अगर आप गाढ़ी सब्जी खाना पसंद करते हैं तो आप कम मात्रा में पानी डालिए। स्वाद अनुसार नमक डाल लीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि अचानक से बहुत सारे गेस्ट आ जाते हैं और हम समझ नहीं पाते कि इतनी जल्दी हम क्या तैयार करें, तो आप ये डिश जरूर उस समय ट्राई करिए, तैयार करिए और उनको उनके सामने सर्व करिए, और मैं आपको गारंटी देती हूँ कि वो आपकी तारीफ के बिना नहीं रह पाएंगे। अब इसको हम मीडियम आँच पर रख करके पका लेंगे। इसको आप चपाती के साथ, रोटी के साथ, तंदूर के साथ और जीरा राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि बीच में गाढ़ी हो रही है तो आप एक्स्ट्रा थोड़ा पानी ऐड कर सकते हैं, बट ये जो सब्जी है वो थोड़ी सी हल्की गाढ़ी गाढ़ी अच्छी लगती है क्योंकि ये दाल और इसमें सब्जी दोनों है, तो ये हल्की सी गाढ़ी अच्छी लगती है। इसका टेस्ट आप 10 गुणा बढ़ा सकते हैं शाही गरम मसाला डाल करके, जो कि मैंने अपनी चुकंदर की एक रेसिपी बनाई थी उसमें मैंने वो बनाना बताया था, वो अगर आप इसमें डाल देंगे तो इसका टेस्ट 10 गुना बढ़ जाएगा। तो ये है यम्मी यम्मी सी पंजाबी तड़का। मतलब मैंने इसमें ना आलू यूज किया है, पोटैटो यूज किया है, आप चाहें आप इसकी जगह एग भी यूज कर सकते हैं, मतलब दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही अल्टीमेट है और बहुत ही ज्यादा हेल्दी डिश भी है। हाँ, जो मैंने इसको आलू फ्राई किया था, आप चाहें तो केवल आलू बॉइल्ड आलू भी डाल सकते हैं, बट मैंने हल्का सा फ्राई करके डाला था, तो उससे ना अगर आप कम ऑयली खाना खाते हैं, आप पसंद करते हैं थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस है, तो आप उसमें भी उबला हुआ आलू भी डाल के यूज कर सकते हैं इसको। मैंने थोड़ा फ्राई किया था आलू और
और आपने देखा इसमें मैंने तेल भी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, तो ये सब्जी बहुत ज़्यादा ही टेस्टी है, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है, रिच इन प्रोटीन है। मुझे नहीं पता कि ये सब्जी आपको देखने में कैसी लग रही है, बट इसका कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, शायद फोटो में वीडियो में इतना अच्छा क्लियर नहीं आ रहा है, बट इसका कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और अब ये मेरी सब्जी तैयार हो चुकी है, बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं, बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं है। अब मैं इसमें डालने वाली हूँ शाही गरम मसाला, उसको मैं डालूंगी। ये 1/4 teaspoon और अब ये रेडी है सर्व करने के लिए। बस इसको सर्व करने से पहले आपको क्या करना है कि आपको इसमें 1 चम्मच घी डालना है जैसे ही आप सर्व करेंगे। और मैंने इसमें शाही गरम मसाला डाल दिया, अगर आपके घर में गरम मसाला अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें छोटी इलायची होती है उसको भी पीस कर डाल सकते हैं इसमें थोड़ा फ्लेवर लाने के लिए। तो ये डिश आप अपने घर में जरूर करिएगा, मेरे कहने पे करिएगा, और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके घर वालों को ये डिश कैसी लगी। सो थैंक यू।